किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बोले सोनिया। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। सर किसान एकता, किसान एकता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बोले सोनिया। नमस्कार, आज हम आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। ठंड का मौसम है और किसान आंदोलन है चल रहा है यहाँ पर, लेकिन इस आंदोलन के बीच में भी किसान जो है अपना इंसानियत का धर्म निभाने में पीछे नहीं हट रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंड के मौसम में भी किसान हर आने वाले व्यक्ति को भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसान हो या फिर लोकल जो एरिया लेने वाले लोग हो, उनको हर एक को लंगर का मिल रहा है। और ये लंगर जो है गुरु के नाम पर लंगर दे रहे हैं, गुरु का प्रसाद कह के ये लंगर उनको सर्व कर रहे जा रहा है। ना कोई जात देखा जा रहा है, ना कोई धर्म, ना कोई पात, ना जात पात कुछ नहीं देखा जा रहा है। जो भी है यहाँ पर गुरु का लंगर चल रहा है यहाँ पर। अब एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे सामने चाय बन रहा है अभी। अब कुछ देर पहले यहाँ पे पकोड़े तले जा रहे थे। ये देखिए यहाँ पर अभी चाय बन रहा है अभी यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी बड़ी हांडी में चाय जो है नॉर्मली इसे किसी शादी ब्याह में देखा जाता है, लेकिन आज पहली बार किसी प्रोटेस्ट में आपको बिना किसी हिंसा के, बिना किसी टेंशन के यहाँ पे लंगर भी चल रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है और कोई टेंशन नहीं है आसपास, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आके अपना गुरु का लंगर चख के जा रहा है। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल सर जी, मेरे को, मैं न्यूज़ 5 भारत से आया हूँ। अच्छा सर जी, मुझे आपसे पूछना है कि एक टाइम पे कितनी चाय बन जाती है यहाँ पर और कितने लोगों की बन जाती है? कम से कम एक पतीले बिच 200-300 से ज़्यादा आदमी हो जाते हैं। अच्छा, 200-300 ज़्यादा आदमी चाय पी के चल जा सकते हैं एक पतीली में। और दिन में कितनी बार ये चाय बनता है? कम से कम करीबन ये अजी 8 बजे तक रहने थे। अच्छा जी, तो कम से कम 10-12 बन जाते हैं। 10-12? हाँ जी, दिन में 10-12 ऐसे टोप के बन जाते हैं चाय के। ये तो हो गई सिर्फ चाय की बात। अब ये तो हो गई चाय की बात। अब वहाँ पे थोड़ी देर पहले अगर हम और जल्दी आते हैं तो वहाँ पे पकोड़े बने जा रहे थे। अभी पकोड़े तो बंद हो गए, लेकिन फिर भी बंद। ये देखो जी यहाँ पे अभी पूरा ये टोप भर के पकोड़े बने जा रहे थे। सर जी एक बात बताइए, दिन में ऐसे कितने टोप बन जाते पकोड़ों के? ये भी कम से कम ये बहुत चलता है जी प्रोग्राम। अच्छा, मतलब हाँ, कितनी बार बना लेते दिन में पकोड़े? कम से कम ये भी कम से कम 8-10 बार ही बना लेते हैं। 8-10 बार? हाँ। कितने लोग खा पाते इसे? अनगिनत आदमी, जो मर्जी आए। हाँ जी, बेअंत जी। अच्छा जी, थैंक यू जी। आइए बात करते हैं इंद्रजीत सिंह संधोनी से, जो इस गाजीपुर बॉर्डर पे इस लंगर का सेवा देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो सभी मीडिया, चाहे NDTV, मैं नाम ही ले रहा हूँ क्लियरली, NDTV, आज तक, जी न्यूज, जो सरकार के हक की बातें करते हैं, किसान यहाँ से बाइट ले जाते हैं, उसको एडिट करके वहाँ कुछ और दिखाते हैं, तो मेरी ये उनसे इल्तिजा है कि वो पत्रकारिता को जिंदा रखें। और वो पत्रकार हैं, वो उनको कम से कम इन सबको गरिमा तो बनाए के रखें, लेकिन इन सब की तरफ देख के इंसानियत के नाते, पत्रकारिता तो एक बहुत महान कार्य है उनका, लेकिन इंसानियत के नाते इन लोगों की तकलीफ को, दुख को, और ये असली किसान यहाँ बैठे हैं, कोई नकली किसान नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है। तो ये कम से कम वो वहाँ पे जो हम देखते हैं TV, यहाँ से बाइट कुछ लेके जाते हैं और वहाँ पे कुछ और होता है। तो मेरी ये इल्तिजा है उनसे कि हम सब सच्चाई को दिखाओ यार, सच्चाई बनाए रखो, आपकी गरिमा तभी बनी रहेगी, वरना जनता किसी दिन आपको बिल्कुल नकार देगी इस चीज़ से। थैंक यू।
तो ये आंदोलन जब पंजाब से शुरू हो गया आज पूरे भारतवर्ष में फैल गया है। अब आज यहाँ यूके का, उत्तराखंड का किसान, यूपी का किसान, हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, मतलब हर पूरे भारतवर्ष का किसान आज हमारे साथ है। लेकिन गवर्नमेंट का जो मीडिया है, कुछ मीडिया जिसको गोदी मीडिया हम बोलते हैं, वो लोग कुछ मजदूर या कुछ अपने ही लोग इकट्ठे करके वो ये शो करना चाह रहे हैं कि वो किसान उनकी बातों को मान रहे हैं, लेकिन वो हमारे में फूट डालना चाह रहे हैं। तो मेरी यार सबसे अपील मतलब आपस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मूवमेंट को स्लो करना चाहते हैं। लेकिन जो असली किसान हैं, आप देखिए यहाँ पे कि इनमें से कोई आपको लगता है कि जैसे वो पीछे अफवाह उड़ाते हैं गोदी मीडिया की, ये यहाँ पे किसान है ही नहीं है, जो किसान उनसे मीटिंग कर रहे हैं वो अलग से हैं। तो यहाँ पे जो किसान है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए किसान हैं, चाहे आप सिंधु बॉर्डर देख लीजिए, टीकरी बॉर्डर देख लीजिए, सभी ज़मीन से जुड़े हैं। उनको पता है हमारी जो हमारी शर्तें हैं, जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। अगर हमारी मांगे जायज़ ना होती तो जब ये मीटिंग्स हुई हैं तो उन्होंने जो भी संशोधन करने की कोशिश की, पहले तो वो कहते थे हमारा कानून बिल्कुल ठीक है, किसान गलत है, किसानों को हम उनकी इनकम डबल करने का सोर्स बना रहे हैं। लेकिन आज जब किसान जागरूक है, किसानों में भी पढ़े लिखे बच्चे भी हैं और एक्सपीरियंस जो हमारे बुजुर्ग हैं बहुत तजुर्बेकार हैं, वो तो उनको फसल का आज भी MSP का जो इनका मुद्दा है, इनको फसल का अब भी वो रेट नहीं मिलता, उस पर कानून इनको पास करना चाहिए। लेकिन और उनके पूंजीपतियों के हक में जो कानून में जो जितनी भी धाराएं हैं वो ज़्यादातर पूंजीपतियों के हक में, किसान के हक में कोई धारा नहीं है। तो इसलिए आज जागरूक है सारे किसान, और ये जो अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं मानती, तो मैं आपके माध्यम से मोदी जी से एक बात करना चाहता हूँ। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, रामचंद्र जी की बात करते हैं, वो खाली रामचंद्र जी का मंदिर बनवाना एक काम नहीं होता, रामचंद्र जी के जो आदर्श हैं उन पे चलना जरूरी है। रामचंद्र जी जो थे वो अपने प्रजा के बीच में भेष बदल के जाते थे, वो देखते थे मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, अगर उसका कोई दुखी है, अब जैसे उन्होंने किसी के बोलने पे, प्रजा के किसी पे बोलने पे सीता जी को भी छोड़ दिया था, वनवास कर दिया उन्होंने। तो आज तो सारा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, पूरा विदेश में, विदेश से कनाडा, अमेरिका, जर्मन, इटली, वहाँ का किसान भी हमारे साथ है, उन्होंने भी मैसेज दिया। तो क्या मतलब सरकार की नींद ऐसी सो रही है, अगर आप रामचंद्र जी को मानते तो उनके आदर्शों को भी तो फॉलो करो ना, ये नहीं आप 15 पूंजीपति हैं, 62-63 करोड़ किसान हैं हमारे, और 15 पूंजीपतियों को फेवर करने के लिए आप इन किसानों को नज़रअंदाज कर रहे हो। इन्होंने ही वोटें दी हैं, और हमने भी बीजेपी को सपोर्ट किया था, हमने भी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज हमें बड़ा अफसोस हो रहा है प्रधानमंत्री जी पे और हमारी सरकार पे कि वो इतने लोगों को इतना रोज टीवी में देख रहे हैं। और सबसे दुखदाई घटना जो कल हमारे सत मान सिंह जी करनाल से थे, उन्होंने किसानों को देख के, किसानों का दुख उनसे झेला नहीं गया, उन्होंने उस डिप्रेशन में और इनकी सपोर्ट में अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनकी शहादत मतलब ये रंग लानी चाहिए, ये रंग लाएगी भी, क्योंकि उन्होंने अपने आप अपनी जीवन, कोई भी इंसान है बुद्धिजीवी, अपना जीवन ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने इन किसानों के आंदोलन के लिए, सभी भाइयों के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। तो मेरी यही सोच भी है कि उनकी जो शहादत है वो रंग लाएगी और हमारी सबकी मांगे पूरी होंगी। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बोले सोनिया।